भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हमारा जो कंसेप्ट है उसमें लोकतंत्र पे विश्वास करना, ये हमारा मूलभूत तत्व है पार्टी का। सो लोगों की मांग को हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया और लोकतंत्र में एक मिसाल को प्रस्थापित किया, दूसरे के मतों का आदर करना। इसकी इससे अच्छी मिसाल लोकतंत्र में वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलेगी। किसानों की इस बात को मानते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है, अब इसके बारे में विपक्ष के लोग और लोग बहुत ओछी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मैं उनकी जानकारी लिख के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप सबको ज्ञात होगा कि जब ये पीएम किसान 6000 रुपया देने का निर्णय हुआ था, वो सिर्फ सीमांत किसानों के लिए ही था। ये सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही ये निर्णय था। बाद में किसानों की ओर से मांग आई और चुनाव के बाद, चुनाव हम जीत गए थे, फिर कोई ज़रूरत नहीं थी दूसरे चुनाव में, उसका हमारी घोषणा में भी नहीं था। चुनाव जीत जाने के बाद किसानों की बात को मानते हुए प्रधानमंत्री जी ने सब किसानों के लिए एंटाइटल कर दिया था। तब भी किसानों की बात प्रधानमंत्री जी ने माने थे, तब किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि उसमें लॉनी फार्मर के लिए कंपलसरी था। वो कंपलसरी के खिलाफ किसानों की ओर से हमको रजूआतें मिलती थी। मैं भी तभी किसान विभाग का ही मेरे पास दायित्व था, मेरे सामने ही लोग प्रस्तुत करते थे। प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी गई और प्रधानमंत्री जी ने ये जो कंपलसरी था लॉनी फार्मर्स के लिए, उसको स्वैच्छिक कर दिया। तब भी किसानों की बात प्रधानमंत्री जी ने माने थे। मैं तो उसी श्रृंखला में एक बार और किसानों की बात मान के प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी में किसान है, उनका सबूत प्रधानमंत्री जी ने दिया है।